वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। अभी हम मौजूद है औरंगाबाद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर खुल्दाबाद, और यहाँ पे खुल्दाबाद के इतिहास में पहली बार वोटिंग होने जा रही है दरगाह कमेटी के लिए। पहले यहाँ पे ऐसे होता था कि सब लोग एक साथ बैठते थे और किसको अध्यक्ष बनाना है सब हाथ उठा करके जो तो अपना वोट देते थे, लेकिन इस बार खुल्दाबाद की जनता ने और यहाँ की कमेटी ने ये निर्णय लिया कि सीधे सीधे वोटिंग करेंगे। और मैं वोटिंग बता दूँ आपको, बैलेट पेपर पर वोटिंग हो रही है और तकरीबन 2900 वोटिंग है। अब इसमें से जो ज़्यादा वोट लेंगे उसका पैनल जो तो चुनकर आएगा। यहाँ पर कुछ हमारे भाई मौजूद है जो यहाँ पर इलेक्शन में खड़े है, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए और क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं चिश्ती अज़हरुद्दीन, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और ये जो है तो हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से इलेक्शन होने जा रहा है ये, और इसमें जो है तो बहुत सारे अपक्ष भी है और कुछ गट भी है इसमें, और जो है तो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर है कि पहली बार इलेक्शन हो रहा है। हाँ, इसमें पहली बार हो रहा है। पहले जो है तो सब लोग जो है तो हाथ उठाते थे और किसी को भी एक को यानी फैमिली वाइज गटबाजी होती थी। अब जो है तो हर एक इंडिपेंडेंट को राइट्स है अपना वोट देने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, यहाँ पे और दूसरे कैंडिडेट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जो वोटिंग हो रही है ये अच्छा तरीका है वोट देने का, कमेटी सिलेक्ट करने का? नहीं, कमेटी की तरफ से है, कमेटी ने एक्सेप्ट करी है और तो हमें भी मंजूर है ये चीज़ें। जी, आप भी कैंडिडेट हैं? यस। ओके, आप इंडिपेंडेंट है या कौन सा? नहीं, इंडिपेंडेंट चश्मे से। ओके, ठीक है। यहाँ पे और हमारे भाई मौजूद है, इनसे थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, इनसे जानेंगे थोड़ा सा कि थोड़ा हमको डिटेल बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग हो रही है और किसको अधिकार है वोट डालने का। अभी पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन की वोटिंग सिर्फ और सिर्फ जेंट्स करते थे और जो शादीशुदा थे वही कर सकते थे। अब ऐसा हुआ है कि 18 साल से ऊपर चाहे वो लेडीज़ हो, खादिम की या जेंट्स हो, वो हर किसी को अधिकार हो गया है वोट डालने का, और हर कोई अपना अपना वोट दर्ज करने यहाँ पे बराबर से आ रहा है। इंतज़ाम भी अच्छा किया गया है माशाल्लाह, और आप देख रहे होंगे कैंडिडेट सारे खड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे 35 कैंडिडेट हैं हमारे माशाल्लाह यहाँ पर, और सब खुद्दामीन ही है, और जिसमें से कुछ पैनल्स बने हुए, दो पैनल्स है, बाकी के कुछ अपक्ष खड़े हुए हैं, तो हर किसी को अपना अपना वोट दर्ज करने का मौका दिया गया। मेरा नाम शेख मुंतजबुद्दीन। आप भी कैंडिडेट? हाँ, मैं भी कैंडिडेट हूँ। ओके, हाँ, हमारे साथ में एक भाई और मौजूद है। थोड़ा हमें डिटेल बताइए कि ये जब वोटिंग होंगी, जो भी पैनल चुन के आएगा, हाँ, दरगाहों को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, और जब उरस यहाँ पे भरता है उस उरस के लिए जो है तो किस तरीके के इंतजाम कमेटी कर पाएंगी? इंशाल्लाह कमेटी में जो है तो जैसे जो लोग चुन के आएंगे, जैसे लोग चुन के आएंगे वो उनकी कमेटी का जो है तो उनका अपना अपना हिसाब रहेगा, और जो है तो वो बहुत सारी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ की तरक्की हो बोल के। इंशाल्लाह हम तो यही चाह रहे कि हर लोगों ने कमेटी के लिए और दरगाह के लिए जो है तो हर चीज़ का सपोर्ट करना हो। अचानक मतलब ये जैसे फर्स्ट टाइम खुल्दाबाद में वोटिंग के द्वारा कमेटी चुनी जा रही है, हाँ, तो क्यों इतनी ऐसी आपको क्या महसूस हुआ कि नहीं हमें जो है तो कमेटी के इलेक्शन के द्वारा कमेटी सिलेक्ट करना चाहिए? ये पहले जो है तो हाथ उठा के जो है तो इलेक्शन होता था कमेटी के अंदर, अभी कैसा है अपने हर आदमी को अपना अपना वो मेंबर चुनेंगे, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकते, हर धर्मी नहीं होती उसमें, इसीलिए ये काम किया गया। चलिए हम, हाँ, वक्फ बोर्ड ने इसकी इजाज़त दी है। ओके, वक्फ बोर्ड ने इसकी इजाज़त दी है, और हम यही कहेंगे चाहे कोई भी पैनल चुनकर आए यहाँ पर, खुल्दाबाद में जो दरगाहें हैं उनकी जो है तो जो कंडीशन है उसको जो है तो अच्छी तरीके से सुधार करें। उसके अंदर जब उरस यहाँ पे भरता है तो बहुत सारी खामियाँ उसमें रह जाती है, उसकी वो खामियों को दूर करें। आप देख रहे थे मेरा चैनल कौमी सियासत आप तक, मैं असगर अली। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खुल्दाबाद में पहली बार वोटिंग होने जा रही है दरगाहों की कमेटी के लिए, क्या कहेंगे, कैसा अभी तक का रहा इलेक्शन और कितनी वोटिंग अभी तक की होगी? दरगाह हद्दकला खुल्दाबाद का आज सुबह 9 बजे से 11 मेंबर इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन जारी है। 11 बजे तक 340 वोट पड़े अभी तक, और इसमें टोटल 2908 वोटिंग है। ये खुल्दाबाद की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि दरगाह की कमेटी जो है तो सेक्रेड बैलेट से चुनी जा रही है। लोगों में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत उत्साह है, और बहुत अच्छी तरह से वोट कर रहे हैं लोग।
यहाँ पर कोई अनुचित कोई भी ऐसी घटना नहीं घड़ी अभी तक, सब अच्छे से हो रहा है, कोई बोगस वोटिंग नहीं हुई भी अभी तक के, और ना कोई ऐसी रिकॉर्ड की गई भी है। लोग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टाइम दिया हुआ है वोटिंग के लिए। अगर 5 बजे तक कोई भी इस कंपाउंड के अंदर आ जाता है और हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं 5 बजे से पहले, उसको वोटिंग डाले दिया जाएगा। अगर 5 बजे के बाद कोई आता है तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। और किस तरीके के रूल आपने रखे, कौन यहाँ पर सिर्फ वोट डाल सकता है? ये देखिए, जो बाय बर्थ खादिम खुदामीन है, खुदाम फैमिली से है, वही इसमें वोट डाल रहा है। इसका रिजल्ट कब निकलेगा, घोषणा कब होगी? वैसा तो नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें 7 बजे का काउंटिंग का टाइम दिया हुआ है, पर वोटिंग में अगर से टाइम होती है तो काउंटिंग थोड़ा डिले हो सकती है, पर काउंटिंग आज ही होंगी, आज ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपका पूरा नाम और पोस्ट बताएं। इफ्तिखार अहमद पटेल, इलेक्शन ऑफिसर। सर क्या कहेंगे, खुलदाबाद के इतिहास में पहली बार इलेक्शन पर कमेटी नहीं जा रही, कितना आप ठीक महसूस कर रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन तरीक़ाकार बदल गया है। अब की बार जो तो बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन हो रहा है, और ये दरगाह की स्कीम में दिया गया था, वक्फ बोर्ड ने जो स्कीम मंजूर किया उसमें दरगाह कमेटी ने ये बात लिखी थी कि बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाया जाए, इसमें एक रेडी भी हुआ था, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किए और अप्रूवल दिया वक्फ बोर्ड ने, इसके बाद में आज इलेक्शन जारी है, जिसमें 35 कैंडिडेट्स है, 2 पैनल है, बाकी के अपक्ष है, 11 सीटों को उम्मीदवार चुनना है और हर एक को 11 वोट देना है, लिहाजा एक आदमी 11 वोट देगा, किसी का मुकाबला किसी से नहीं है, जो ज़्यादा वोट लेगा वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा नीचे तक आएंगे। अच्छे माहौल में इलेक्शन चल रहा है और हमारी सबसे गुजारिश है कि अमन कायम रखें, यही जो है तो पैगाम रहा है बुजुर्गान दीन का। एडवोकेट खैसरुद्दीन, माजी नगर अध्यक्ष, खुलदाबाद। सर क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं और यहाँ पे आप वोट देने के लिए आए हैं, तो क्या? मेरा नाम मोइन शेख है, मैं बॉम्बे से आया हूँ यहाँ पे। खुदामीन कमेटी में आज पहली बार 5, 10, 20 सालों में वोटिंग का सिलसिला जारी हुआ है, वो बहुत सही है, जो कि जितने भी सारे खुदामीन है हमारे, जैसे जो लोग बॉम्बे, खुलदाबाद, औरंगाबाद तालुके में अलग अलग रहते हैं, उन सब के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बन रहा है दरगाह के अंदर, जहाँ पे कमेटी एक प्रॉपर फॉर्म होगी और वो कमेटी के ज़रिए से सारे खुदामीन को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं खुश हूँ इस बात को लेके कि लोग इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और एक कमेटी को फॉर्म किया जा रहा है वाया गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इलेक्शन के साथ में, जो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मेरे हिसाब से सारे यंग लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, जो आए, जो एजुकेटेड है, जो कुछ कर सकते हैं अपने कौम के लिए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत अच्छा एक मौका है सारे खुदामीन के लिए, जो एक तरफ आए, अपनी एक प्रॉपर कमेटी फॉर्म करे। कमेटी फॉर्म करने के बाद हर खुदामीन का एक प्रॉपर राइट रहेगा, जिन पे उनको एक हक दिया जाएगा, जहाँ पे वो बोल पाएंगे, पूछ पाएंगे, अपने कामों की तरफ उनसे तवज्जो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बॉम्बे से ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ वोट डालने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग यहाँ पर जागरूक होते जा रहे हैं और सिस्टम आ रहा है। वो इन शेख, खुलदाबाद के इतिहास में पहली बार वोटिंग के जरिए जो है तो कमेटी डिसाइड करने का मौका मिला है आप लोगों को, क्या कहेंगे, कितना आपको ठीक लग रहा है? ये हमारा जो इदारा है ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह और जरजरी बख्श दूल्हा के, यहाँ पर माशाल्लाह तकरीबन जो है जमातें यहाँ पर है और हमारे खुदामीन की काफ़ी तादाद है। ये पहला मौका है, हम इससे पहले जो है इत्तेफाक़ राय से जो है वोटिंग करते थे, सदर वगैरह बनते थे, पर इस बार जो है पहला मौका है कि ये तमाम खुदामीन जो है वोट के ज़रिए अपने कैंडिडेट को चुन रहे हैं, तमाम ही आपस में रिश्तेदार है, सब मिलजुल कर जो है तो वोटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी कमेटी आएगी, सबका एक ही मिशन है कि दरगाह हमारा इतना बड़ा इदारा है उससे जो है लोग मुस्तफीद हो और लोग फ़ायदा उठा सकें। लेकिन फिर अगर सब रिश्तेदार है, सब एक ही है, तो फिर वोटिंग की नौबत क्यों आई? वोटिंग की नौबत जो है ये गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट का ये स्कीम थी,
कि एक बार कुछ लोगों का ऐसा था कि कुछ ना इत्तेफाकी होने की वजह से या लोगों का एतराज़ था कि कमेटी ऐसी बनती है, तो इस बार एक मौका है इसमें कि एक बार वोट देकर भी देखते हैं कमेटी की स्कीम में, कि एक बार डायरेक्ट वोटिंग करके देखते हैं गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वोटिंग हो रही है। वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया तो आप कितना दोष मानते हैं? वक्फ बोर्ड इसमें जो तो सेकेंड पार्टी मेन जो है तो दरगाह कमेटी ही है, एज अ रहनुमाई के लिए उसको वक्फ बोर्ड को इसमें इंटरफेयर किया गया है कि कोई तकलीफ ना हो। तो इंशाल्लाह जो भी कमेटी रहेगी उनका भी एक मिशन रहेगा कि भाई जो ज़ायरीन आते हैं या दरगाह के जो प्रॉब्लम है अच्छे से सॉल्व।